यंग फेज दो चीजों को इंक्लूड करती है, एक है माइटोसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस को कैरियोकाइनेसिस भी कह लेंगे क्योंकि इसमें कैरियन का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जो माइटोसिस है ये एक तरह से सेल का ऐसा डिवीजन है जिसमें सेलुलर मटेरियल्स ऑलरेडी डुप्लीकेटेड रहते हैं। सेल डिवीजन से पहले जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो अपने को और डबल कर लेते हैं पहले इंटरफेज स्टेज में, और फिर उसके बाद उसी को दो सेल में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, बराबरी का डिवीजन, दोनों सेल्स में बराबर बराबर चीजें जाती हैं। इसको सुविधा के लिए 5 सब स्टेजेस में बांट लिया गया है। वैसे ये डिस्क्रीट यूनिट्स नहीं है, सेपरेट यूनिट्स, सेपरेट स्टेप्स नहीं होता है माइटोसिस, यह एक डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सुविधा के लिए हम इसको अलग अलग सब स्टेजेस में बांटते हैं, हालांकि ये कोई दायरा नहीं है कि प्रोफेज इतना ही होगा या प्रो मेटाफेज इतना ही होगा, मेटाफेज इतना ही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। कब कौन सी स्टेज खत्म हो रही है, कौन सी शुरू हो जा रही है, इसकी कोई वो नहीं। और ये टोटल जो है माइटोसिस ये और साइटोकाइनेसिस मिला के 1 आवर का होता है। इंटरफेज स्टेज में सेल अपने मटेरियल्स को डबल करता है, जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल या क्रोमैटिन को भी ये डबल कर लेता है। तो क्रोमैटिन जो है डबल हो गया, G1 में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, RNA की सिंथेसिस होगी, S में जो है DNA की सिंथेसिस होगी, और G2 फेज में जो इंटरफेज की लास्ट स्टेज है इसमें जो सेंट्रियोल्स वो रेप्लिकेट करते हैं। आप जानते होंगे कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेंट्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम एक स्पेसिफिक रीजन है जिसमें ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। हर डिवीजन से पहले एनिमल सेल्स में ये जो सेंट्रियोल्स हैं अपने को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करने का मतलब अपने को डबल कर लेते हैं, एक पेयर से दो पेयर बन जाएगा। तो ये देखिए ये डिवीजन से पहले अपने को ये एनिमल सेल्स में रेप्लिकेट कर लेते हैं। और G2 फेज में जो क्रोमैटिन है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और कंडेंसेशन स्टार्ट होने से क्रोमैटिन मटेरियल का कॉम्पैक्शन होने लगता है, कॉम्पैक्ट होने लगता है, मतलब शार्टनिंग और थिकनिंग क्रोमोसोम्स की स्टार्ट हो जाती है। प्रो फेज आते आते मतलब थोड़ा सा और डिवीजन प्रोसीड करेगा आगे, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं, क्लियरली देखे जा सकते हैं। प्रोफेज स्टेज में ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं ये बने हुए हैं G2 फेज में, ये एक दूसरे से दूर थोड़ा हटना शुरू करते हैं, हालांकि स्पिंडल फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक करती है। प्रोफेज समाप्त होते होते एंड होते होते ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंप्लीटली ब्रेक कर जाती है। उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्रोमेटाफेज होती है। प्रोमेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सफल करते हैं, आगे पीछे होते हैं, और इनका स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल से अटैचमेंट हो जाता है। इनका जो अटैचमेंट है वो काइनेटोकोर वाले पोर्शन से होता है, जो स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो काइनेटोकोर से अटैच करते हैं। एक ये मेटाफेज क्रोमोसोम बना दिया गया आपको समझने के लिए, एक क्रोमोसोम का थोड़ा मैग्निफाइड रूप है कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए। और एक ये क्रोमैटिड है, ये दूसरी क्रोमैटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये एक DNA का बना है, एक दूसरे DNA का है। तो आप जानते हैं कि इंटरफेज स्टेज में जो सिंथेसिस फेज होती है, यस फेज होती है, उसमें क्रोमोसोम अपने को रेप्लिकेट करता है या DNA अपने को रेप्लिकेट करता है, डबल करता है, तो ही एक DNA से दो DNA बन जाता है। ये काइनेटोकोर है, ये जो कि प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पर डिस्क फॉर्म बना लेती हैं आइदर साइड में, और ये सेंट्रोमियर की पोजीशन है। सेंट्रोमियर वो पोजीशन होती है जहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है थोड़ा नैरो हो जाता है, तो ये नैरोड रीजन है क्रोमोसोम के। आप थोड़ा सा और समझने की स्टेज पर हैं, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में थोड़ा सा जोड़ने के लिए एक प्रोटीन होती है सेंट्रोमियर वाले प्लेस पर, इसको कहेंगे कोहेसिंग प्रोटीन। तो ये कोहेसिंग प्रोटीन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ देती है। मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, ब्रीफ होती है ये, और इसमें ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका अलाइनमेंट हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पर। इक्वेटोरियल प्लेट वो प्लेट हो जाएगी, अगर पोल्स को आप एक्सिस मान लें, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करें एक्सिस हो जाएगी, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो जो लाइन ड्रॉ होगी उस पर ये क्रोमोसोम्स अपने को इक्वेटर पर अरेंज करते हैं, और ये इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बनती है। इसमें जो आप स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स देख रहे हैं वो माइक्रोट्यूबुल्स 3 तरह के होंगे, एक तो ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल्स होंगे, दूसरे होंगे पोलर माइक्रोट्यूबुल जो एक पोल से दूसरे पोल तक एक्सटेंड करेंगे, और तीसरे माइक्रोट्यूबुल होंगे जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल कहे जाएंगे, जो काइनेटोकोर के साथ अपना अटैचमेंट बनाएंगे, ये अपने अपोजिट पोल्स की तरफ ये अटैच करेगा पोल्स के साथ। एनाफेज स्टेज, मेटाफेज और एनाफेज स्टेज जाते जाते क्रोमोसोम्स की शॉर्टनिंग और थिकनिंग मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम साल्ट और ठीक हो जाते हैं और क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, ये लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे तरह से दिखने लगते हैं। एनाफेज स्टेज में ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट करता है, ये स्प्लिट करने से ये दोनों क्रोमैटिड्स अपने अपने पोल्स की तरफ माइक्रोट्यूबुल से अटैच होकर ये जाने लगते हैं। तो देखिए दो क्रोमोसोम है यहाँ पर, एक ब्लैक कलर में है और एक रेड कलर में है, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स बीच से स्प्लिट होकर इनका जो काइनेटोकोर है वो लीड करते हुए अपने अपने पोल्स की तरफ ले जा रहा है। डायग्राम की सुविधा के लिए मात्र 2 क्रोमोसोम बनाए गए हैं, अगर ये ह्यूमन का सेल है तो इसमें 46
क्रोमोसोम्स होंगे। तो 46 क्रोमोसोम बनाएंगे तो डायग्राम बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसलिए सुविधा के लिए आप भी कम से कम क्रोमोसोम बनाएंगे तो डायग्राम सही बनेगा। एनाफेज के बाद टेलोफेज आएगी। ये क्रोमोसोम्स एनाफेज में स्प्लिट होकर अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं और ये अपने अपने पोल्स की तरफ दोनों बढ़ेंगे, और जब ये बढ़ेंगे तब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और टेलोफेज के अंत होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा दोनों तरफ, और जो इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी या मेटाफेज प्लेट बनी थी तो मेटाफेज प्लेट पर ही क्लीवेज फरो बनेगी, जहां पर होगी साइटोकाइनेसिस, जहां से ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। तो ये बनते बनते, और ये समझिए कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो ड्रॉ स्ट्रिंग की तरह से काम करेंगी, नाड़े की तरह से काम करेंगी। कभी कभी थैलों में देखा है ना, दो रस्सी के एंड्स को पकड़ के खींचते हैं और थैले का जो माउथ है वो क्लोज हो जाता है। या आप यूं समझिए कि अगर यहाँ पर एक रस्सी को आप बांध दीजिए या थ्रेड को बांध दीजिए और थ्रेड के दोनों एंड्स को खींचे तो धीरे धीरे खींचते खींचते ये बिल्कुल बीच में जाके कट जाएगा। तो ये क्लीवेज फरो जो बनेगी ये इस सेल को दो सेल्स में डिवाइड कर देगी और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली बन जाएगी और जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमैटिन थ्रेड्स के रूप में पूरे न्यूक्लियस के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे और विजिबल अब नहीं रह जाएंगे, अभी माइक्रोस्कोप से देखे नहीं जाएंगे। ये न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा, मतलब इसमें क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाएंगे, और डीकंडेंस हो जाएंगे तो जीन का एक्सप्रेशन होने लगेगा, वो जो जीन्स हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। इस माइटोसिस की ये विशेषता होती है कि ये जितने क्रोमोसोम को लेके चलेंगे वो बराबर बराबर उनको बांटेगा। अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम हैं तो एक सेल से जो दो सेल बनेंगे दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम आएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग दो क्रोमोसोम को लेके चले थे और ये जो दोनों सेल बन रहे हैं एक ब्लैक कलर में एक रेड कलर में, एक ब्लैक कलर में एक रेड, तो दोनों जो सेल्स बन रहे हैं क्रोमोसोम्स के नंबर बराबर बराबर जा रहे हैं, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, बराबरी का डिवीजन कहते हैं।